समस्त प्रदेश व देशवासियों को मेरी ओर से जेबीडी ग्रुप, जेबीडी समाज कल्याण समिति और भाजपा की ओर से नूतन वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो और सभी देशवासी उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। देश में सद्भावना और शांति का माहौल बना रहे तथा भारत देश विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान अंकित करे, इसके साथ साथ मैं देश के युवा वर्ग को एक संदेश भी देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी नीति, योजना अथवा सदन में पास किए हुए किसी भी बिल को उनके अगर कोई आपत्ति है तो वह उसे शांतिपूर्ण ढंग से ही प्रदर्शित करें और अपने प्रदर्शनों के दौरान किसी भी असामाजिक तत्व से बचकर रहें, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व देश में शांति का माहौल नहीं बनाने देना चाहते और अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ फैलाकर नौजवानों को उकसाकर आम जन तथा सरकारी संपत्ति का नुकसान करवाते हैं। ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये सारी सरकारी संपत्ति आपकी है। हमें इसे सहेज कर रखना चाहिए, इसे तोड़कर अथवा जलाकर व्यर्थ ना करें, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा या समस्या नहीं है जिसका शांतिपूर्वक हल ना निकाला जा सकता हो। अंत में मैं पुनः देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को मेरी ओर से, जेबीडी ग्रुप की ओर से, जेबीडी समाज कल्याण समिति की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से नववर्ष लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।